मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खजाना खोल दिया है, जिसके बाद पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। सीएम की इस घोषणा के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय बढ़कर 1 लाख रुपए प्रतिमाह हो गया है। इसके साथ ही कई पंचायत प्रतिनिधि जैसे जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच, पंच सहित उप सरपंच के मानदेय में 3 गुना वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत प्रतिनिधियों के पक्ष में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि कल कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 2022 के चुनाव के बाद कई प्रतिनिधियों ने वेतन वृद्धि की बात कही थी, जिसके बाद मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इनके मानदेय में वृद्धि कर दी गई है। सीएम शिवराज ने वीडियो जारी करते हुए कहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच, उप सरपंच एवं पंच, इन सब के मानदेय में 3 गुना वृद्धि की जा रही है। जो पहले दी जाती थी, अब उससे 3 गुना वृद्धि हम कर रहे हैं। इस संबंध में कल कैबिनेट बैठक में आदेश जारी किए जाएंगे। कई जनप्रतिनिधियों ने अपनी सुविधा के लिए, ताकि वो काम ठीक से कर सके, मानदेय वृद्धि की बात की थी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, वो मानदेय में वृद्धि तय कर ली गई है और कल कैबिनेट की बैठक में आदेश जारी कर दिए जाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच, उप सरपंच, पंच, इन सबके मानदेय में 3 गुना वृद्धि की जा रही है। जो पहले मिलती थी, उससे 3 गुना वृद्धि कर रहे हैं। जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 11,100 था, उसको बढ़ के 35,000, वाहन भत्ता 43,000 से बढ़ा के 65,000, और इस प्रकार जिला पंचायत अध्यक्ष को 54,100 रुपए के स्थान पर 1 लाख रुपए प्रति माह मानदेय वाहन भत्ता सहित मिलेगा। जिला पंचायत उपाध्यक्ष का भी मानदेय 9,500 से बढ़ाकर 28,500, वाहन भत्ता 9,000 से बढ़ाकर 13,500 किया जा रहा है। इस प्रकार उनको ये जो बढ़ा हुआ है 18,500 के स्थान पर 42,000 रुपए के आसपास मिलेगा। जनपद पंचायत अध्यक्ष का मानदेय बढ़ा के 6,500 से बढ़ा के 19,500 किया जा रहा है। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 4,500 से बढ़ा के 13,500 किया जा रहा है। सरपंच के आदेश पहले ही जारी हो चुके हैं, 1,750 से बढ़ा के 4,250 रुपए प्रतिमाह, और उप सरपंच और पंच को भी जो मानदेय मिलता था उसको भी बढ़ा के 3 गुना किया जा रहा है। और जिला पंचायत, जनपद पंचायत के बारे सदस्यों के बारे में भी हम यही फैसला ले रहे हैं। वैसे ही आपको बताया गया, मनरेगा में हमारे पास पर्याप्त राशि है। हमारे रोजगार सहायक और पंचायत सचिव मित्र भी बैठे, पंचायत सचिव मित्र भी। एक जमाना था जब वो पंचायत कर्मी थे, लेकिन कर्मी से लेके पंचायत सचिव तक की यात्रा उनकी हमने तय करवा के एक सम्मानजनक मानदेय से लेके और जीवन स्तर तक देने का विनम्र प्रयास किया है। रोजगार सहायक हमारे कई दिनों से परेशान थे और उनकी हमेशा ये मांग रहती थी कि गर्दन पर तलवारी लटकी रहती है, हर कभी हटा देते हैं। आप जानते हैं कि उनका मानदेय भी बढ़ा के सीधे 18,000 रुपया कर दिया गया है। उसके भी कल आदेश जारी हो जाएंगे, कल आ रहे हो ना, वो भी कल कैबिनेट में आएगा। और उसके साथ मैंने अन्य भी जो उनके लिए घोषणाएं की है, उनके जीवन में निश्चितता लाने के लिए की है। अब मित्रों, हमारे पास पर्याप्त सुविधाएं हैं, तो हम मेहनत से और ईमानदारी से बेहतर काम करें और अच्छे परिणाम दें। आखिरकार हम हैं प्रदेश की जनता की सेवा के लिए।
ये सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म को आप ठीक ढंग से पूरा करके जितनी भी योजनाएं गांव में लागू होने वाली है जनप्रतिनिधियों के साथ मिलके उनको ठीक ढंग से इंप्लीमेंट करें, मनरेगा के फंड का भी ठीक ढंग से उपयोग करें ताकि अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिल सके। कि जनप्रतिनिधि हमारे लिए सर्वोच्च है। अब सरपंच और पंच ये तो परमेश्वर ही माने गए एक जमाने में। जो न्याय की व्यवस्था भारत में थी और विकास की अवधारणा भी वो आज की नहीं, हजारों साल पुरानी है। पंचायती राज भारत की माटी में है, भारत की जड़ों में है। समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होते चले जाते हैं। देखिए जनता की सेवा करने वाली अगर सबसे प्रभावी इकाई कोई है तो वो मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, मंत्री नहीं हो सकते। सबसे प्रभावी इकाई सरपंच हो सकते हैं, पंच हो सकते हैं, क्योंकि वास्तव में योजनाएं तो वहीं से नीचे जाती है। उनकी मॉनिटरिंग करना, उनकी देखरेख करना, ठीक से मिल जाए इस बात की चिंता करना, ये भोपाल से बैठ कर नहीं हो सकते, ये तो गांव में बैठकर ही हो सकते। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, मध्य प्रदेश के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए आपका सहयोग परम आवश्यक है। जो निर्विरोध निर्वाचित पंचायतें 705 थी, उन पंचायतों के लिए जो मैंने राशि घोषित की थी उसके अलग अलग स्तर थे। अगर सरपंच और पंच सहित पूरी बहला पंचायत है तो मापदंड अलग थे, लेकिन जो मैंने घोषित किया था उसके हिसाब से 55,20,00,000 रुपए की राशि जारी कर दी गई है। क्योंकि कई जगह निर्विरोध निर्वाचित पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने मुझे कहा कि अभी तक हमको ये राशि मिली नहीं है, तो ये पिछले हफ्ते आदेश जारी हो गए। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आदेश जारी हो जाए और खाते में जाए नहीं। कई बार सरकार भी अपने हिसाब से काम करती है, जारी हो गए क्या हुआ, बोले आदेश जारी हो गए और पैसा खाते में पहुंच गए। तो आदेश जारी हुए कि पैसा खाते में पहुंच गया, पैसा खाते में पहुंच गया, नहीं तो हम लोग यहां बैठ के सोचते हैं कि फाइल में आदेश हो गए तो काम हो गया। लेकिन अब खाते में ये राशि आपके पहुंच चुकी है।